अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। अट्ठासी हजार ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य। नैमिष दर्शन की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर के आए हैं जगत जननी माँ लिंग धारणी माँ ललिता के शक्तिपीठ पर। अद्भुत और विलक्षण स्थान। कहते हैं कि एक बार जो भी श्रद्धा से यहाँ नतमस्तक हो जाता है माँ उसके दामन को खुशियों से भर देखती हैं। क्षणिक आराधना में प्रसन्न हो जाने वाली माता की अद्भुत कहानी है। कहते हैं कि जब यहाँ ऋषि यज्ञ और हवन करते थे उस समय भंडासुर नामक दैत्य उनमें व्यवधान उत्पन्न करता था। इतना ही नहीं देवताओं ऋषियों ब्राह्मणों सन्यासियों की हत्या करके उन्हें खा जाता था। विवश होकर सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा ने कहा कि आपके क्षेत्र में एक अलोप देवी वास करती है, आप यज्ञ से उस अलोप देवी का आवाहन करें, वही भंडासुर का संहार करेगी। और फिर एक दिन सभी ऋषियों ने एक यज्ञ किया। अलोप देवी उस यज्ञ से प्रकट हुई। ललित स्वरूप वाली उस देवी को देखकर सभी ने कहा आह ललित स्वरूपा, और वही उनका नाम पड़ गया माँ ललिता। भंडासुर से जगत जननी माँ ललिता का घोर युद्ध हुआ। भंडासुर अपनी मायावी शक्ति से माता को बार बार चकमा दे रहा था, लेकिन जगत जननी माँ कुछ देर तक उनके उस मायावी जाल को देखती रही और अंत में अपने चक्र से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। भंडासुर का संहार करने के बाद माँ ने आशीर्वाद दिया कि इस स्थान पर जो भी श्रद्धा से नतमस्तक होगा उसे मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होंगी। माँ ललिता का ये अद्भुत स्थान है जहाँ साक्षात माँ ललिता विद्यमान है। यह माँ का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इस पावन स्थान को माँ लिंग धारणी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माँ लिंग धारणी की पूजा होती है। माँ लिंग धारणी के पैरों के नीचे भंडासुर दैत्य पड़ा हुआ है। मंदिर प्रांगण में और भी तमाम मूर्तियां हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह के अंदर ऊपर तो माँ लिंग धारणी की प्रतिमा है और नीचे देवाधिदेव महादेव का स्थान है, यानी शिव और शक्ति एक साथ इस मंदिर प्रांगण में विद्यमान हैं। मंदिर प्रांगण में और भी तमाम मूर्तियां हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि मंदिर के ठीक पीछे एक अति प्राचीन मंदिर बोला जाता है जो काफ़ी छोटा है, और उस मंदिर के अंदर एक ऐसी दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है जो शायद भारतवर्ष में कहीं नहीं है। यहाँ भगवान भोलेनाथ के पैरों पर माँ पार्वती बैठी हुई हैं और उनके चारों तरफ
यक्षिणी की फोटो हैं, साथ ही भैरव भी वहां विद्यमान हैं। ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं शिव पार्वती की यह अद्भुत प्रतिमा जो मंदिर के ठीक पीछे स्थापित है। कहते हैं लिंग धारणी माँ ललिता के इस पावन और दिव्य स्थान पर आते ही आपकी सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए दुनिया के कोने कोने से लोग माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा यह भी जाता है कि एक बार जो भी व्यक्ति इस मंदिर की चौखट को पार करता है वह जन्म जन्मांतर के न सिर्फ पापों से मुक्त हो जाता है बल्कि उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, यानी माँ उसके दामन को खुशियों से भर देती हैं। इसीलिए नैमिष सारण की माँ ललिता माँ लिंग धारणी की महिमा अद्भुत और निराली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।